दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ले चलता हूँ दुर्नेश्वर महादेव, जहाँ पर मैं दुर्नेश्वर चेक डैम भी है और उस डैम के ऊपर राइट साइड में एक मारुति धाम भी है। मारुति धाम मतलब वहाँ पे बजरंगबली का मंदिर है, उसी को मारुति धाम भी कहते हैं। तो आज ये तीनों जगह हम लोग देखेंगे, दुर्नेश्वर मंदिर, दुर्नेश्वर चेक डैम और मारुति धाम। और आपको मैं ये भी डिस्कस करेंगे या बताऊँगा कि आखिर इसका नाम दुर्नेश्वर महादेव क्यों है और दुर्नेश्वर महादेव नाम क्यों पड़ा। ये जो दुर्नेश्वर है ना, उस जहाँ पर मैं ये मंदिर अवस्थित है, उस विलेज का भी नाम द्रोण विलेज है। ये जो विलेज है, ये शासनगीर और गिर फॉरेस्ट के अधीन ही आता है, क्योंकि इसके चारों तरफ जंगली है और बीच में ये विलेज है द्रोण विलेज, या द्रोण डैम या द्रोण चेक डैम भी कहते हैं। तो एक्चुअल में दुर्नेश्वर इनका नाम क्यों पड़ा, ऐसा कहा जाता है कि आज से 5500 यानी कि 5500 वर्ष पहले दुर्नेश्वर जो गुरु द्रोण था अर्जुन का या पांडवों का, उन्होंने स्थापित किया था। एक बार क्या हुआ कि जो पांचों पांडव और द्रौपदी के साथ प्रदक्षिणा के लिए द्रौपदी के साथ निकला, उसी समय उसका पीछा करते करते द्रोण ने भी यहाँ पहुँचा और यहाँ मंदिर की स्थापना की, जिसके गौमुख है, जिसमें से हमेशा गंगा निकलते रहता है, जो एक तरह की सत्य की प्रमाण दिया था पांडवों को और गुरुद्रोण ने। ये जो डैम है ना, इस डैम को बोलते हैं इस डैम जो देखे ना आपको, इसको दुर्नेश्वर चेक डैम कहते हैं। और ये जो नदी है ना, इसको ऋषित्रिया नामक नदी बोलते हैं। ऋषित्रिया नामक नदी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ उस समय महाभारत के समय यहाँ बहुत सारे ऋषि लोग आते थे और तप करते थे, तपस्या करते थे, इसीलिए इस नदी का नाम है ऋषित्रिया नामक नदी बोला जाता है इसको। इस मंदिर का महत्व सबसे ज़्यादा जो है ना, वो सावन के मंत्र में जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे श्रद्धालु लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से श्रद्धालु लोग आते हैं इस मंदिर का दर्शन करने, क्योंकि ऐसा बताता है कि सावन के महीने में महादेव साक्षात स्वयं विराजमान होते हैं इस शिवलिंग के ऊपर। और एक तरह से ये जो डैम दिख रहे हैं, इस डैम एक तरह से पिकनिक स्पॉट भी बन जाता है बारिश के समय में। और बताता हूँ आपको कि ये जो मंदिर की स्थापना हुई थी ना, गुरु द्रोण ने जो स्थापना की थी, ये द्वापर युग के अंत में इस मंदिर की स्थापना हुआ था और गुरु द्रोण ने किया था। ये तो आपका मेन डैम हो गया, अब ये डैम तो दिख गया आपको, डैम दिख गया। ये हमेशा मतलब बारिश सावन के महीने में ऐसे ही मतलब पानी ऊपर से नीचे गिरते रहते हैं, लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं नहाने के लिए, एक तरह से पिकनिक स्पॉट ही बना देता है सब। तो अब हम लोग चलते हैं, ये डैम देख लिए, अब हम लोग चलते हैं जो दुर्नेश्वर महादेव है ना, वहाँ चलते हैं और देखते हैं वहाँ के शिवलिंग और वहाँ जो गंगा जल जो गाय माता है ना गौमुख से निकलते रहते हैं, वो भी दिखाता हूँ आपको। ये डैम देख लिया, उसके बाद चलते हैं हम लोग मंदिर की तरफ। ये जो देख रहे हैं ना, ये है पूरी नदी और इसके आगे नीचे जा कर के यहाँ पे देखिए, ये है डैम बना हुआ और इसके ऊपर से पानी नीचे गिरता है और ठीक इसके सामने आप देखो दुर्नेश्वर महादेव का मंदिर है। ओम नमो भगवते रुद्राय। ये जो सामने देखे ना, ये वाली, यही है मंदिर सामने। तो हम लोग अब यहाँ तो देख लिए डैम, जिस डैम को दुर्नेश्वर चेक डैम बोलते हैं, अब चलते हैं मंदिर की तरफ। यही रास्ता है जो, या यही पुल है, इसी से होकर के हम मंदिर तक जाएंगे और मैं वहाँ पर दिखाता हूँ किस तरह से शिवलिंग में गौमुख है और उस गौमुख से 24/7 हर मंथ, हर महीना, हर दिन, ऐसा भी बोलो मतलब, गंगा जल अपने आप निकलता रहता है। सो कई बार एक रहस्य है, इसको कितने बार पता करने का कोशिश भी किया गया कि गंगा जल आता कहाँ है, पर आज तक पता नहीं चला, एक तरह का ये आज तक रहस्य ही बना हुआ है। वैसे तो इनको पता ही है कि दुर्नेश्वर महादेव महाभारत के समय काल में ही है, बट आज जो उस तरह से होता है चेक करना, पता करना, लगाना, वो आज तक पता नहीं लग पाया है इस गौमुख से जो जिस तरह से गंगा जल निकलता है। इसलिए मंदिर का दर्शन भी करते हैं और आपको दिखाता भी हूँ कि किस तरह से गौमुख से गंगा जल हमेशा निकलता रहता है। जैसे आप यहाँ जाओगे ना कि सामने एक है सर्कल जैसा, ये वाला से जो दिखता है आपको, ये नीर के लिए लोग यूज करते हैं, ये वाला, इसमें से लोग नीर लेता है अपने सर के ऊपर गंगा जल की तरह, इसमें नीर लेता है। फिर देखिए यहीं से इसमें लोग नीर लेता है। फिर ये हो गया आपका नंदी बाबा,
जो बाहर है, जो शिवलिंग की तरफ करके मुंह करके हैं। सामने एक बजरंगबली का भी मतलब मूर्ति लगा हुआ है, और अंदर जा करके मंदिर है। देखिए यहाँ पर भी गौमुख से मतलब वही गंगा जल निकलता है हमेशा, लोग यहाँ अपना सर पे पानी भी लेता है, नहाता भी है, इस तरह का है ये चीज़। इसलिए बनाया गया है, एक तरफ लेडीज़ के लिए, एक तरफ जेंट्स के लिए, दोनों तरफ है। जो इस गौमुख के वही गंगा जल से ही नीचे नदी है, फिर ये गंगा जल, ये जो नदी है, ये जो बगल में बह रहे हैं ना, जो बोला था आपको ऋषित्रिया नामक नदी, इसमें चला जाता है ये सारा गंगा जल। ठीक है, ये ऊपर है जो कुटी बना हुआ है, जो पुजारी लोग होते हैं ना वो लोग रहते हैं इसमें, तो उन्हीं का निवास स्थान है ऊपर। उसमें ऊपर यज्ञ भी होते रहता है, पंडित जी लोग करते रहते हैं। हाँ, ये हमें मंदिर में, अब आपको मैं शिवलिंग दिखाता हूँ कैसा है, मतलब अंदर में शिवलिंग। ये देखिए, ये रहा बजरंगबली का मंदिर, और ये रहा महादेव, जो दोनेश्वर महादेव है ना वो। ये देखिए, ये जो गंगा जल निकल रहा है ना, यही एक रहस्यमय है, जो आज से नहीं मतलब 5500 वर्ष से, मतलब 5500 सालों से जो है, ये इसी तरह से मतलब गंगा जल 24x7 बारह मास 36 दिन करिए मुझसे गंगा जल, दो मिनट से गंगा जल निकल जाता है। यही एक रहस्य है, एक तरह से द्रोण का सत्य की प्रमाण है, जो पांडवों को उन्होंने दिया था उस समय। ठीक है, दर्शन भी हो गया। तो ऊपर जो बता ही दिया आपको कि ऊपर है जो जिनके जो पुजारी लोग हैं वो हैं, यही है मेन शिवलिंग। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से चलते हैं, अब जैसे ही दूसरे जगह प्लान करते हैं तो फिर आपको वहाँ का दिखाऊंगा वीडियो बना करके। ओके।